through the sun rays. And फ्रेंड्स मैं तेजस। सो आपको मैं बताया था कि मैंने कुछ टूल्स लिया है, कुछ टूल्स लेने का है। सो अभी मैंने जो है इसका डीजल पेट्रोल का जो है कॉम्प्रेशन टूल लिया है, मतलब जो कॉम्प्रेशन है वो चेक करने के लिए। क्योंकि क्या है, कोई भी काम करने के लिए ना कोई प्रोसेस रहता है। सो अगर वो प्रोसेस अगर काम करेंगे ना तो काम जो परफेक्ट होता है। सो अपने को क्या है, इसलिए एक टूल की ज़रूरत थी कॉम्प्रेशन टूल की। सो इसके लिए लिया है, क्योंकि मतलब क्या, कोई भी काम करने के लिए कैसा, मतलब इधर उधर छेड़खानी करने का, इससे अच्छा अगर आपके पास प्रॉपर टूल रहेगा तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाओगे। तो क्या है, कुछ इंजन में तकलीफ है तो ये खोलो वो खोलो, इससे अच्छा जो है डायरेक्ट जो अपना टूल है, मतलब जो 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 काम के लिए जैसे जैसा टूल लगता है, जैसे टाइमिंग चेक करने के लिए टाइमिंग टूल, मतलब बाकी के भी जितने टूल्स है ना, हर काम के लिए एक टूल्स लगता है। सो क्या है, वो हिसाब से अगर काम करेंगे ना तो काम जो है प्रोफेशनल टाइप होगा और एक जेन्युइनिटी होगी। तो मैंने जो है अभी इसके लिए एक टूल लिया है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये अपना डीजल का टूल है, और ये देखो ये अपना पेट्रोल का टूल है। सो देखो इसके नेपल से, सो ये अपना हीटर प्लग जो रहता है अपना डीजल गाड़ी के लिए, हीटर प्लग उधर से, मतलब हीटर प्लग जो है रिमूव करने का, फिर उसके बाद ये जो इंस्टॉल करने का, और ये जो है जस्टिस को जो है दबा देने का। सो ये पहले जो है अपना हेड है, हेड में बिठा लेने का, फिर उसके बाद इसका जो प्रेशर गेज है वो इधर इसका हल्का सा, मतलब ये जो नॉब है इसको जो पीछे खींचने का, और ये जस्ट इसको जो है प्रेस कर देने का ऐसा, ये इजीली बैठ जाता है। और जैसे अपन सेल मारेंगे ना, सो ये गेज है, गेज जो दिखाएगा कि कितना इसका जो कॉम्प्रेशन है कितना बन रहा है ऐसा। सो उसके बाद अपन जब चेक करेंगे ना, सो इसका जो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक, ये भी इधर एक प्रेशर इधर से रिलीज़ होता है, तो ये जब पुश करेंगे ना आप तो इधर से जो इसका प्रेशर है, प्रेशर रिलीज होता है। तो ये हो गया अपना डीजल का। तो पेट्रोल का भी सेम वैसा ही है। तो इसको निकालने के लिए क्या, जस्ट ऐसा दबाने का, तो ये डायरेक्ट बहुत, मतलब इसमें ना टेंशन इसलिए निकल जाता है। जस्ट ऐसा निकालने का निकल जाता है दबाने के बाद। सो ये हो गया अपने डीजल का, पेट्रोल का भी वैसा ही है। देखो पेट्रोल का भी वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, ये नेपल विपल है सब चेंज है उसमें, आप देख सकते हैं। तो क्या पेट्रोल का क्या है, अपना जो प्लग लगता है तो वो निकाल के इस प्लग का जो थ्रेड है, हेड में वो ये पोजिशन पर इसके जो नोजल्स है ये टूल्स के, ये उधर लगते है। तो इसमें भी वैसे ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये देखो, और ये जो नोजल्स है ये इसमें लगाने का ऐसा, फिर ये लगाने के बाद अपन सेल मारेंगे ना तो उस टाइम पे ये जो गेज है ये गेज दिखाएगा कि कितना इसमें भी कॉम्प्रेशन बन रहा है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, ये इसका रिलीज है, रिलीज वाला है, मतलब हवा जो इधर से रिलीज होता है। सो ये पुश करने पर अपना जो प्रेशर है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। सो ये जो टूल है ये मैंने लिया है, ये अपना मतलब कितना एक पेट्रोल का जो है सस्ता है, पेट्रोल का कुछ 2500 का कुछ है, और डीजल का है, डीजल का हल्का सा मतलब महंगा है, 4 या फिर 4500 तक जाता है। सो ये जो मैंने अभी लिया है, सो मैं अभी इसको जो यूज़ करूँगा, सो इसका जो मतलब जो पूरा स्टेप है ना वो सब, जब कोई प्रॉब्लम आएगा ना गाड़ी में उस टाइम पे दिखाऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे इसको जो है यूज़ करते हैं। सो ये खाली टूल दिखाने के लिए मैं जो है वीडियो बनाया। सो ओके।